तो सर मैं यही जानने के लिए समझने के लिए आया था, क्योंकि जब ये खबर आई मेरे पास तो मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि शायद आपसे बेटर कोई नहीं है जो बता सकता है कि इसके अंदर आईडी कैसे लग सकती है और हम कैसे समझ सकते हैं कि ये नॉर्मल परफ्यूम नहीं है, इसके अंदर कुछ गड़बड़ है। देखिए राजेश जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही इनोवेटिव टेक्निक है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एक्सप्लोसिव जी एक ऐसी टेक्निक है जो अच्छे के लिए भी हो सकती है, बुरे के लिए भी हो सकती है। तो ये जो है ये एक तरीके से उसका एक एक्सप्लॉयटेशन है। ना इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि जो एक्सप्लोसिव होते हैं जी, वो दो तरह से हो सकता है उनका इस्तेमाल। एक जैसे मैंने बताया कि आपका हो रहा है इस्तेमाल जो कोई चीज़ बनाने के लिए जी, जैसे डैम बनाने हैं, पत्थर तोड़ना है, सड़क बनाना है, उसके लिए हो सकता है। दूसरा होता है जो डैमेज करने, ठीक है सर। तो इसमें जो सबसे खास चीज़ है जी वो ये है कि इससे एक्सप्लोसिव जब चलता है तो उससे एक शॉक वेव पैदा होता है, जिसकी कि मतलब वो उससे बहुत एक्सपेंशन होता है जी, और जो आसपास की गैस है उसको भी वो खा सकता है, ठीक है। तो एक तो वो चीज़ जानना ज़रूरी है। दूसरा, क्या हर एक्सप्लोसिव ऐसे हो सकता है? नहीं, एक्सप्लोसिव में भी इसकी एक चेन बनानी पड़ती है, ठीक है। चेन इसको बनाने के लिए सबसे पहले उसमें जहाँ से इनिशिएट होगा, ठीक है, तो आपने आग लगाया जिसको जिसको बोलते हैं हम लोग डिटोनेटर। मैं इसके जरिए समझा जाऊँ, जैसे जस्ट मैं अगर इसको प्रेस करता हूँ तो ये जो जब मैं इसको दबाता हूँ तो क्या इसमें एक चेन बनाना पड़ती है हमारे कोई भी एक्सप्लोसिव को आपको जो चलाना होगा जी, तो जैसे इसके अंदर आपने किया जी, तो ये क्या आपने इसको प्रेस किया? बिल्कुल सर। तो इसके अंदर जो होगा, जो या तो एक गैस निकलेगी, ओके, उसका अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आपको केमिकल वॉरफेयर में जाना पड़ेगा कि उसमें गैस जो भरी जा रही है उसमें कोई ऐसी गैस हो जिससे कि नहीं, एक बड़ी चीज